नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, मैं एक बार फिर अपने ही गांव पड़म्बा से आपके सामने हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने यहां एक वीडियो बनाई थी कि मेरे गांव का एक लड़का जो यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गया है, पवन पुत्र श्री रामेश सिंह, जो यूक्रेन और रूस के बीच में भयंकर लड़ाई जो छिड़ी हुई है, जंग छिड़ी हुई है, जहां पर काफी संख्या में 20,000 प्लस जो भारतीय छात्र वहां पर डॉक्टर की पढ़ाई के लिए गए हुए थे, वो तकरीबन वापस आ चुके हैं। और यहां इसी गांव से जो लड़का पवन है, वो भी उस पढ़ाई के लिए गया था, वो भी वापस आ चुका है। घर वालों के माथे पर चिंता की लकीरें थी कि हमारा जो लाडला सुरक्षित वापस आ सकेगा कि नहीं आ सकेगा। तो दर्शक साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो अभी हम उनके घर पे पहुंचे हैं। आइए उनसे मिलते हैं, बात करते हैं किस प्रकार की स्थितियां वहां रही, क्योंकि वहां के हालात बहुत खतरनाक हैं आज भी, क्योंकि लड़ाई को लगातार 15 से 16 दिन हो चुके हैं। और इस तरह के हालातों में वहां रुकना, खाने पीने की सुविधा, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रहने खाने की, सोने की, सब तरह की व्यवस्थाएं फेल हो चुकी हैं। तो उनसे बात करते हैं, अंदर बैठे हैं भाई हमारे पवन हैं, जो उनसे मिलने के लिए और भी जो काफी संख्या में बाहर से लोग आए हुए हैं। आइए बात करते हैं। ये भाई जो यूक्रेन में गए थे, पवन कुमार, मेरे नाम रसी हैं, तो भाई को बधाई दूंगा। सर्वप्रथम तो अपने देश सुरक्षित वापिस पहुंच गए, और उम्मीद करूंगा कि सारा परिवार आज खुश होगा, क्योंकि कुछ समय पहले तक परिवार के माथे पर चिंता की लकीरें थी। तो भाई पवन कैसे हो? भाई पवन भाई, कितने साल से आप वहाँ पर रुके हुए थे? फाइनल ईयर था, बस 2 महीने बचे थे, उसके बाद एक एग्जाम देना था, फिर डिग्री मिल जाती है। तो जैसे घर वाले वहाँ पर फोन करते थे, आप वहाँ पर संकट की स्थिति में थे, तो घर वालों को आप किस प्रकार की सांत्वना दे रहे थे कि जल्दी वापस आ जाऊंगा, खाना मिल रहा है, इस तरह की बातें पूछती? हाँ जी, ना वैसे कोई खास दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत ज्यादा बच्चे थे, हम 650-700 बच्चे थे, और हमारे आसपास में इतना कोई था भी नहीं। हमारे वहाँ से निकलने के बाद तो थोड़ी दिक्कत बढ़ी है, पर पहले जैसे भी हम वहाँ पे थे सारे, कोई समस्या नहीं थी, ना खाने की ना पानी की थी, पर हमारे निकलने के बाद अब समस्या थोड़ी बढ़ गई। जो वहाँ के हालात थे, किस प्रकार की स्थिति वहाँ पर थी? हालात तो कुछ वो नहीं था, दिन में तो सब नॉर्मल रहता था, जैसे ही हम सो गए रात को, मोस्टली एयर स्ट्राइक वगैरह और नाइट में कोई शेलिंग वगैरह करते थे, और कई बार तो सुबह 4:30-5 बजे से धमाकी आवाज से, तो लोगों में अपना तफरी का अलग माहौल, बहका माहौल है। बहुत अच्छे थे वहाँ पर, बिल्कुल शांत थे, कोई इतनी कोई समस्या वाली बात नहीं थी। पर तो आपका जो शहर था, आपकी यूनिवर्सिटी सोमी शहर में थी, वहाँ के हालात किस प्रकार के रहे? वहीं के हालात तो यही है कि शुरू में तो 4-5 दिन तो वहाँ पे कोई दिक्कत हुई नहीं थी, पर धीरे 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 जब जैसे खारकी वगैरह की वगैरह में हमले ज्यादा बढ़ गए, फिर हमारा जो सोमी है वो रशियन बॉर्डर के बिल्कुल पास में ही, तो वहाँ से आर्मी क्रॉस कर दी थी कीव के लिए, आस पास में चले जाने के लिए, तो आते जाते का दीवार सैलिंग हो जाती थी। पर हम हमारे ग्रुप बने हुए थे, और भी टीचर वगैरह थे, टूर डायरेक्टर थे, और एम्बेसी की तरफ से हमें फुल गाइडलाइन मिलती रहती थी हर बात की, तो कोई समस्या इतनी खास आई नहीं, पर वैसे अब काफ़ी बड़ी हुई। तो बड़ा शानदार और सुंदर जो बोलते हैं स्थान था यूक्रेन शहर। हालात फिलहाल गंभीर हैं, हर बिल्डिंग शायद नष्ट हो चुकी है। आप जहाँ पर रुके थे, बेसमेंट वगैरह की व्यवस्था थी? हाँ, वहाँ पे बंकर बनाए हुए हैं हर बिल्डिंग में, और बच्चे हॉस्टल में रहते थे वहाँ पे बंकर के, तो अगर मान ले बाई चांस कभी भी हो जाता कोई स्ट्राइक वगैरह हॉस्टल में, तो बच्चे से तो जैसे दूसरे शहरों में जो बच्चे रुके हुए थे, सुमी के अलावा कीव में थे, खारकीव में थे, और जैसे और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज में थे, यहाँ पर जो वीडियोज या टीवी के माध्यम से जो पता चलता था, वहाँ का माहौल बेहद खतरनाक नजर आता था। क्या आपके साथ कितने लड़कियाँ पहुँचे? 650 बच्चे आए हैं उसमें, 50 लगा दो लड़के लड़कियाँ थे, बिल्कुल ये सारे सुरक्षित थे। और सही बात की खारकीव की, वहाँ ये जो भी बच्चे थे वो सही बात है, इसमें कोई बात नहीं है, वहाँ पे सही में ऐसा ही माहौल था,
भी आप देखो तो वहाँ इतने मतलब लोग घूमने के लिए जाते थे वहाँ पे, हम भी जाते थे, वो भी जाते थे, दो चार ही जगह ऐसी मानते थे कि हाँ घूमने में जा रही है जो घूमने में, पर अभी वहाँ देखो तो सारी बिल्डिंग। कि क्या आपको ये लगता है कि शहर दोबारा से, यूक्रेन जो देश है दोबारा से उठ पाएगा? अभी दुनिया उसको सपोर्ट कर रही है, उठ तो जाएगा पर काफी टाइम लगेगा वैसे, और अभी तो युद्ध रुका भी नहीं है, इसमें भी टाइम लगेगा, अगर उठ जाए तो उसके बाद देखते हैं क्या होगा। जैसे भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइंस दी गई थी कि आप समय रहते देश यूक्रेन छोड़ दीजिए और अपने देश वापिस आ जाइए, क्या समझ गया आप वहाँ पर रुके हुए थे? मेरा दो महीने बाद एक एग्जाम था और गाइडलाइंस तो सरकार ने दी थी, पर हमने ये सोचा था कि और इस टाइम पे पता ही होगा, कोई सोच ही नहीं रहा था कि और वगैरह होगा, ये कर लो मुझे थोड़ा बहुत डरा जम पा रहे हैं कि थोड़ा हाल हम मेरे चक्कर में ये सोच रहे थे बस एक एग्जाम देना, एग्जाम दे के अपनी डिग्री लेके आराम से वापस आ जाएंगे। तो जैसे चलो आपने समझ लिया, लगभग जैसे गोलाबारी शुरू हुई तो युद्ध के हालात बने, उसके बाद में आप बंकर के अंदर थे और बंकर के अंदर खाने पीने की व्यवस्था सही थी? नहीं, बंकर के अंदर थोड़ी देर के लिए जाते थे, हमारी साइड इतनी दिक्कत नहीं थी ना, जैसे ही आप बताया मैंने आपको भी ग्रुप बने हुए थे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे, तो जब भी मैसेज आता कि हाँ थोड़ा बहुत खतरा है बंकर में चले जाओ, तो हम दो तीन घंटे चार घंटे के लिए चले जाते थे, आ जाते फिर वहाँ कोई मैसेज आता फिर चले जाते, बिल्डिंग के नीचे ही बंकर था, कहीं दूर नहीं जाना था। इंडियन एम्बेसी का कितना सहयोग रहा? 100% से इंडियन एम्बेसी का आने में, वहाँ इंडियन एम्बेसी के एम ई ए के सारे मेम्बर हमारे कांग्रेस के वहाँ में देने गए, हमारे साथ ही वापस आए हैं। तो कौन सा देश के बॉर्डर तक आपको पहुँचना पड़ा, वहाँ से चल के किस साधन में आप पहुँचे? हम सुनने से तो निकले बस में, 10 से 12 घंटे का सफर था, हम सुनने से पोलतावा पहुँचे, पोलतावा से हमने ट्रेन पकड़ी 16 घंटे की, 16 घंटे के बाद हम 10 से 12 घंटे फिर से ट्रेन भरे और ट्रेन में पोलैंड बॉर्डर, पोलैंड बॉर्डर के बाद हम एक दिन वहाँ पे कुछ घंटे मतलब ये लगा लो शाम तक 10-12 घंटे वहाँ पे रुके, फिर शाम के हमारी फ्लाइट की 3 फ्लाइट आई थी, एक आर्मी एयर फोर्स की थी, एक एयर इंडिया और एक इंडियन, तो उन दोनों फ्लाइट में बच्चे आने के बाद। जैसे बॉर्डर के आप पहुंचे, बॉर्डर के ऊपर जैसे आप पहुंचे पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर, क्या रशियन सिप आई वहाँ पर भी है? तो पोलैंड के जो सैनिक है जहाँ पर चेकिंग स्टाफ होता है उसका कितना सहयोग रहा है? वहाँ पे वैसे बहुत भीड़ थी, टाइम भी लगता है बॉर्डर क्रॉस करने में, हमारे पास कोई वीजा वगैरह भी नहीं था, तो सब 5-10 मिनट में हमारा सारा वो पासपोर्ट वगैरह सारा हो गया था, हमारा हमें एक हफ्ते का वीजा मिल गया था, उसके बाद बाहर निकल के बस में चले गए। तो जैसे विमान जो आपको लेने गया, जो विमान क्या वो भारत सरकार का जो आर्मी का विमान था, इंडियन एयरफोर्स का, या तो फिर प्राइवेट जेट थे? प्राइवेट जेट इंडिगो और एयर इंडिया और एक एयरफोर्स का विमान था, क्योंकि बच्चे ज्यादा थे ना तो एक में तो आ नहीं सकते थे, तो थोड़े थोड़े करके तीनों विमान में आए। तो कुल मिला के जो यूक्रेन से यहाँ तक आने की जर्नी सही रही? बिल्कुल सही रही, जैसे कि सरकार बता रही है ऑपरेशन गंगा के तहत लगभग जो जितने भी विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हुए थे, क्या सभी को निकाल लिया गया? ऑलमोस्ट सभी आ गए हैं मेरे हिसाब से, तो बाकी बचे होंगे तो 2-4 कोई बचा होगा अपनी मर्जी से बचा होगा, या तो या बाई चांस छूट गया हो, कोई निकल पाया हो, वैसे आ गए ऑलमोस्ट सारे। अब अपने गांव की धरती अपने घर पे पहुंचे हैं, माता पिता के पास पहुंचे हैं, यहाँ और वहाँ थे जैसे लड़ाई का माहौल था, युद्ध का माहौल था, वहाँ से यहाँ आके कितना सुकून महसूस कर रहे हैं? सुकून ही सुकून है यहाँ पे तो, आम और यहाँ पे तो बहुत सुकून है, वहाँ तो ना सुनने का पता, ना बैठने का, ना खाने का, ना पीने की चीज़ का भरोसा नहीं था, यहाँ तो सब सही है बिल्कुल, पहले की तरह ही ना कोई डरता हुआ होता है, और ऊपर से घर वाले भी चिंतित थे, तो इसलिए हम बड़े खुश हैं, तो इसलिए हम खुश हैं। ठीक है आंटी जी, एक बार आना बोलियो आंटी ने। तो जैसा कि भाई ने बताया कि घर वाले बिल्कुल चिंतित रहते थे, मैं खुद बताऊंगा कि जब भी मैं बात करने के लिए जब भी पहुंचा तो माताजी जो थी ने उनके बार बार आंखों में आंसू निकल रहे थे और बेटे को याद कर रही थी। राम राम आंटी जी, कैसे हो? आज बेटा पहुंच गया आपके पास, कितनी खुशी महसूस हो रही है। और उस दिन मैंने ये कहा था कि जिस दिन पवन घर पे वापस आएगा मैं भी आऊंगा,
और सह कुशल वापिस आ गया। तो भगवान का शुक्रिया था कि मसाएंगे बेटे से मिलकर कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा जी। आ जाओ आप भी आ जाओ। बहुत अच्छा लगा हमारा तो आ गया। अच्छा पहले तो चिंता थी ना? अच्छा अब चैन से रहो। चलो अब जैसे वहाँ के हालात ठीक हो जाए जो काम बाकी रह गया उसके लिए क्या वापस फिर दोबारा भेज देंगे? चलो जैसा कि भाई ने पवन ने बताया है कि जो डिग्री का कार्य अधूरा रह गया महीने दो महीने का जो काम काज अधूरा है शायद भारत सरकार की तरफ से वहाँ पर जो कुछ प्रस्ताव भेजा जाए या वहाँ की यूनिवर्सिटी या सरकार जैसे ही वहाँ के हालात सामान्य होते हैं तो सब काम ठीक हो और डिग्री पूरी करके दे दे। और मैं भी चाहूंगा कि हालात सामान्य हो क्योंकि हर नागरिक कोई नहीं चाहता कि उसके देश में बर्बादी हो और खाने पीने की तंगी हालात पैदा हो। तो सकुशल घर वापिस आए पवन कुमार हम इनके घर पे पहुंचे। माता जी भी खुश हैं, अंकल जी भी खुश हैं और सभी परिवार वाले खुश हैं उनसे मिलके। मैं भी बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे गाँव का भाई एक अव्वल दर्जे की पढ़ाई करने के लिए वहां गया हुआ था जो अपने घर पे वापिस आया है। तो आप सभी दर्शक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।